हाय गाइस, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं एलवी यादव और अर्जुन बिजलानी के बारे में। तो मैंने कल के वीडियो में आपको अर्जुन बिजलानी और एलवी यादव की कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था, जो इस ट्वीट के कारण हुई थी। इसके बाद जब अर्जुन बिजलानी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप एक क्लिप देखिए। सबको यही कहूंगा कि लिव विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड इस बार जो आपको चाहिए बकवास से दिल से मांगना, वो आपको दे दूँ। शादी रियलिटी शो की मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं अल्पी शादी ने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप, अरे यार गणपति बप्पा। गाइस, आपको अर्जुन बिजलानी और एलवी यादव के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद बात करते हैं केरी मीनाती के बारे में। तो केरी मीनाती गुस्साई गेमिंग कंपनियों से। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वीडियो गेम कंपनियां दिन ब दिन अधिक पैसों की भूखी होती जा रही है। मैं नया NBA गेम खेल रहा था जो 3 साल से मेरा फेवरेट है। अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए लगभग 25,000 से 30,000 पे करने होंगे। जस्ट डिप्रेसिंग। गेम के साथ कंसोल या पीसी की कीमत जोड़े तो जिसकी कीमत लगभग 4,000 से 5,000 है। फिर आपको इसको एंजॉय करने के लिए गेम में अधिक पे करना होगा। गेमिंग आप एक लग्जरी है। मुझे उन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें इस सिस्टम के माध्यम से गेम्स के संपर्क में लाया जा रहा है। जब मैं छोटा था तो गेम्स कॉस्टेड बहुत अधिक होती थी, लेकिन वह वन टाइम परचेस होती थी और आप वर्षों नहीं तो महीनों तक उस गेम को एंजॉय कर सकते थे। अब हर गेम 2 महीने के बाद पूरा हो जाता है। इस दर पर गेमिंग खत्म होने जा रही है क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने पैसे नहीं दे सकते। फिर इस पर एक यूजर ने रिट्वीट कर कहा, लेकिन आपको क्या कमी है पैसों की। फिर केरी ने कहा, भाई मेरी बात नहीं है, जो बच्चे अभी 9 से 19 साल के हैं दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस। पैसा ही मर्यादा है बच्चों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द UK07 राइडर के बारे में। तो द UK07 राइडर अपने फैंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी कुछ हफ्तों पहले अपनी सुपर कार सुपरा को रेप करवाई थी, लेकिन उनके फैंस ने उसे खराब कर दी। आप ये क्लिप देखिए उन्होंने क्या कहा। आई गेस गाइज ये इसी लड़के के साथ वाले, और आप देख सकते हो ये ना बार बार गाड़ी की साइड जा रहा था, और ये देखो इस हाथ से इसने गाड़ी गुड़ी छेड़ी, इसने ना उसका वो रैप निकाला और वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर इसने गाड़ी खोली और ये देखो ये वाले हाथ से इसने गाड़ी का जो ऊपर वाला रैप था ना वो निकाल दिया। दिख रहा है CCTV फुटेज में, ये जो उसका दूसरा हाथ है ना, ये जो गाड़ी के ऊपर वाले डोर पर है और ये रैप निकाल रहा है, ये शायद रिकॉर्ड कर रहा था उस पॉइंट पर। आई डोंट नो क्या कर रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ये दूसरा हाथ ना रैप पर है, इसने ना रैप रूप निकालने की कोशिश करी गाइस यहाँ पर शायद, और वाला रैप यहाँ से पूरा फाड़ करके नीचे कर दिया था। लोग ये बोल रहे थे पुलिस केस कर दो, पुलिस केस कर दो। यहाँ देखो ना ये पूरी रैप फाड़ दिया यार ना, ये लड़का सुपरा को खोल रहा है, पहले चेक करा खुली है कि नहीं खुली है। और मैं मानता हूँ गाइस मेरी गलती है कि मेरे से सुपरा खुली छूट गई, बिकॉज हम लोग ना सुपरा से कुछ सामान निकाल करके अंदर आए और मैं गाड़ी लॉक करना भूल गया। फिर मैंने कलम को बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना, वो भी आया और वो भी भूल गया। सो आई नो मेरी फॉल्ट है गाइस कि मेरे से ना गलती से सुपरा खुली छूट गई। उसके बाद गाड़ी डैमेज करने का पॉइंट क्या बनता है, आपने उस गाड़ी के साथ फोटो करवाई और आप दूसरे हाथ से उसका रैप छील रहे हो। गाइस अब बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी घूम रहे हैं लंदन में, तो वहाँ पर उनसे टॉयलेट करने के ही 15,000 रुपए ले लिए। जी हाँ गाइस, सौरभ जोशी ने भी अपने वीडियो का यही टाइटल रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है शुशु करने के 15,000 लग गए लंदन में। गाइस उन्होंने एक कैरावैन रेंट पर ली थी घूमने के लिए और इस कैरावैन में पूरी सुविधा थी नहाने धोने जैसी, लेकिन जब सौरभ जोशी इस वैन को लौटाने जा रहे थे तो वहाँ पर उनसे 15,000 रुपए की बोली गई और सौरभ जोशी से इस वैन का मिरर भी टूट गया था, लेकिन मिरर के पैसे नहीं लगे लेकिन टॉयलेट के जरूर लग गए। और आप इस क्लिप में देखिए और भी उन्होंने क्या कहा। गाइज अभी जो हमारे साथ में हुआ है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब शीशे के कोई पैसे नहीं लगे, हमारे पैसे पता किस चीज के लग गए, टॉयलेट जाने के। भाई सुसु आई थी बहुत तेज की, कहाँ क्या करता, तो ये कह रहे कि साफ करने के अब 150 पाउंड लेंगे, मतलब 15,000 रुपए टॉयलेट करने के। अभी हम क्लीन करके लाए सुबह सुबह भाई, 15,000 रुपए की सुसु ज्यादा होगी, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगा, 1500 लगा आपको, आपको 1500 लगा, 1500 का मतलब होता है 15 पाउंड, 150 पाउंड कह रहे हैं। सुबह सुबह मस्त क्लीन करके लाए थे हम, लेकिन बोबे को तेज आ गई तो वो एकदम से यहाँ पे चले गए, तो इनको ना बिल्कुल क्लीन करके देना होता है। तुमने चेक किया, वो लेकिन इसमें तो सुसु है, 150 पाउंड लगेंगे इसको साफ करवाने के। भाई तो तगड़ा नुकसान हो गया, 15,000 रुपए का नुकसान हो गया, वो भी टॉयलेट करने का, वो भी कैरावैन में। देखो हमने कैरावैन पूरी साफ कर दी थी, अच्छे सब कुछ अपनी जगह पे रख दिया जैसे हमको मिली थी ना, हमने टॉयलेट भी क्लीन कर दिया था, सब कुछ कर दिया था हमने, बट बोबे को तेज आ गई जैसे हम यहाँ पहुंचे तो वो चले गए वॉशरूम। गाइस आपको सौरभ जोशी के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।